अस्सलाम वालेकुम जी, मैं राना शहजाद कमर हाजिर खिदमत हूँ करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से। एंड टुडेज टॉपिक इज मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, इट्स 15th चैप्टर, सेकेंड ईयर, बुक 2। मुस्तफ़ा कमाल के साथ जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क वर्ड यूज़ किया जाता है, सबसे पहले मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, फिर हम उसके बाद इस ऐसे पर जाएंगे कि इसमें क्या बताया गया है। अतातुर्क वर्ड मीन्स होता है फादर। सो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क मीन्स द फादर ऑफ टर्किश नेशन। सो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को असल में कहा जाता है टर्किश नेशन का निजात दहिंदा, उनको आज़ादी दिलवाने वाला, ठीक है, फ्रीडम फाइटर। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर में बताया गया है कि टर्की ने 1911 से लेकर 1923 का जो इरा है उसमें किस तरह से वॉर से सफ़र किया, जंग ने उन्हें किस तरह मुतासर किया, कौन कौन से ऐसे फेजेज़ आए जिनमें उन्होंने जंग से खुद को निकाला और आखिरकार एक फ्री नेशन के तौर पर, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर उभर कर सामने आए। इट टेल्स अबाउट द फाइट ऑफ नेशन, द फाइट ऑफ मुस्तफ़ा कमाल एंड द स्ट्रगल ऑफ द पीपल ऑफ टर्की टू बिकम अ डेमोक्रेटिक फ्री कंट्री। सो आइए हम चलते हैं और इस चैप्टर को मुकम्मल तौर पर शुरू से लेकर एंड तक हम इसको रीड आउट करेंगे, समझेंगे और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह ताला मैं साथ साथ आपसे डिस्कस करता जाऊंगा, ठीक है जी। सो स्टार्ट्स क्या है जी, 1919 यानी 1919 का टाइम है, ठीक है, इट्स 1919 इन टर्की। जो इत्तेहादी फौजें हैं, मींस जो यूनाइटेड आर्मीज़ हैं, उन्होंने टर्की पर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर लिया हुआ है। ये वो वक्त है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो रही है और अब जो यूनाइटेड आर्मीज़ हैं यानी इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, अब इन्होंने डिसाइड करना है कि हमने किस किस कंट्री को किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। सो द डिसीजन इज बीइंग डन। मीनवाइल टर्किश नेशन जो 1911 से लड़ रहे हैं वो भी अब थक चुके हुए हैं जंग से। दे वॉन्ट पीस, दे वॉन्ट सम रेस्ट फ्रॉम होल ऑफ दिस वॉर। लेकिन टर्किश नेशन जो है वो आज़ादी भी चाहते हैं। अब फैसला ये हुआ, डिसीजन यूरोपीय यूनियन का और यूनाइटेड आर्मीज़ का, कि हम अनातोलिया जो है वो दे देंगे ग्रीक्स को, ठीक है, और ईस्टर्न एरियाज जो हैं वो ग्रीक्स को चले जाएंगे, कुछ हिस्सा फ्रांस के पास चला जाएगा, कुछ हिस्सा इटली को देंगे और इस्तंबुल जो है वो एक इंटरनेशनल सेंटर के तौर पर जो है वो ब्रिटेन, इटली और फ्रांस सब के जो है वो उसमें कब्ज़े में रहेगा, ठीक है। यानी जो है मुकम्मल तौर पर टर्की को बांट लिया जाएगा डिफरेंट एरियाज़ में। इसका मतलब था टर्की की डेथ। सल्तनत उस्मानिया तो इसमें ख़त्म होनी होनी थी, लेकिन साथ में टर्की मुकम्मल तौर पर वाइप आउट हो जाना था दुनिया में से। मीनवाइल अनातोलिया, द ईस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ टर्की, वहाँ पर जो है अभी तक कुछ पैट्रियट्स यानी मुहिब्बुल वतन, कुछ फौजी जो थे यानी शाही फौज सल्तनत उस्मानिया के, कुछ जो आर्मी थी वो अभी तक लड़ रहे थे। यानी 1919 है और काम क्या हो रहा है जी, अनातोलिया में, ये एक प्रोविंस है, ठीक है, अभी तक जो है वो फाइट जारी है। किसके दरमियान में,
शाही फौज यानी पुरानी जो इनकी सल्तनत उस्मानिया की जो आर्मी थी वो आर्मी और यूनाइटेड आर्मीज आपस में भी लड़ रहे हैं। सो डिसाइड किया जाता है वन ऑफ द वॉरियर्स यानी मिस्टर कमाल मुस्तफा कमाल वॉज द वॉरियर जिस पर यह एतमाद किया जा सकता था कि ये लड़कर उनको सबड्यू कर सकता है, जिसके अंदर इतनी पावर थी। इस पावरफुल आदमी को भेजा जाता है अनातोलिया टू फाइट अगेंस्ट पैट्रियट्स। ठीक है जी, पैट्रियट्स मींस वो जो लड़ रहे थे अपने कंट्री के लिए। किसने भेजा इसको? पैडी शाह ने और इतिहादी फौजों ने। बट आफ्टर सम टाइम दे रियलाइज दैट मुस्तफा कमाल वॉज नॉट गोइंग टू फाइट अगेंस्ट देम। इंस्टेड ऑफ दैट ही एक्चुअली कोलैबोरेटेड विद दोज पीपल। इसने जाकर वहां पर बजाय उनके खिलाफ लड़ता, इसने अनातोलिया में जाकर कोलैबोरेशन कर ली किन के साथ? पैट्रियट्स के साथ। और इसने कहा जी कि हम लड़ेंगे और हम आजादी हासिल करेंगे, फ्रीडम। अब क्या होता है जी कि इसके खिलाफ लड़ाई शुरू हो जाती है। ठीक है जी, मुस्तफा कमाल वहां पहुंच गया। ठीक है, और वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने पहले तो मुस्तफा कमाल के साथ जो है वो अलायंस बनाया, लेकिन बाद में जब पैडी शाह ने कहा कि आप लोग वापस आ जाएं, हम यहां से इस्तांबुल से जंग लड़ेंगे, ठीक है, और आप लोग जो है ना वो बजाय इसके कि आप डिस्पर्स होके जंग लड़ें, हम इकट्ठे यहाँ से जंग लड़ेंगे, तो बहुत से लोग जो इसके साथ थे वो वहाँ चले गए। ठीक है जी, और लेकिन इस्तांबुल में उनकी बिल्कुल भी वो स्ट्रैटेजी नहीं चली। और मीनवाइल वो जो टाइम था जिस टाइम में ये लोग इस्तांबुल पहुँचे थे, मुस्तफ़ा कमाल ने पीछे से क्या काम किया? एक तो उसने गुरिल्ला फाइट स्टार्ट कर दी। किसके अगेंस्ट जी? ग्रीक्स के अगेंस्ट गुरिल्ला फाइट। अच्छा, और दूसरा काम उसने क्या किया? ही एस्टैब्लिश्ड एन आर्मी ऑफ पैट्रियट्स। उसने पैट्रियट्स की एक आर्मी भी क्रिएट करना शुरू कर दी थी उसी टाइम में जिस टाइम में वो लोग वहां पर गए हुए थे। अब मुस्तफा कमाल जो है उन्होंने दौरा शुरू किया। ही विजिटेड ऑल द विलेजेस यानी वन बाय वन एवरी विलेज, वो हर एक गांव में गया। वहां पर जाके लोगों में उसने जज्बा उभारा, लोगों को जंग के लिए तैयार किया और उसने लोगों को आमादा कर लिया कि हम लोग जंग लड़ेंगे। और अप्रैल 1920 में उन्होंने बाकायदा जंग का आगाज कर दिया अलाइस के खिलाफ और साथ में ग्रीक्स के खिलाफ। फिर उन्होंने 1921 में ही बल्कि उन्होंने अटैक किया और 1922 तक उन्होंने ये जंग जीत ली थी। और अब मुकम्मल तौर पर टर्की पर कब्जा हो चुका था किनका? पैट्रियट्स का। किसके किसको लीडरशिप में लेकर? मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क अगस्त 1922 में जंग जीत चुका था और अलाइस को उसने टर्की से निकाल दिया था, लेकिन फर्दर जंग ना करने के लिए और उस लड़ाई को रोकने के लिए ज़रूरी था कि
कि वो कोई एक मुआहदा करता यूरोपीय यूनियन के साथ ताकि वो आसानी के साथ अपने मुल्क में तरक्की कर सकें और उसके अवाम जो हैं वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। 1923 वो टाइम था, अक्टूबर 29 अक्टूबर 1923 जिस दिन कमाल अतातुर्क ने बाकायदा टर्की को एक फ्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन के तौर पर उसने डिक्लेयर किया और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जनरल इस्मत अनुनू को बनाया गया और फर्स्ट डिक्टेटर एंड प्रेसिडेंट मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क खुद बने। अब ये 1923 वो टाइम था जब तक मुकम्मल तौर पर टर्की को हासिल कर लिया गया था एंड दैट वाज द टाइम ऑफ कंप्लीट फ्रीडम। अब पैडिशाह महमद आगा जिसका नाम था वो वहाँ पर मौजूद था लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर डिसआर्म हो चुका था, वो अपने महल तक महदूद था और किसी भी तरह की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी अब वो नहीं कर सकता था। और फिर आखिरकार उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है वो रिक्वेस्ट की कि उसे वहाँ से निकाला जाए और उसे एक एम्बुलेंस में छुपाकर रात के वक्त उसका एक ऑर्केस्ट्रा मैनेजर था यानी उसके महल में मौसीकी वगैरह की महफिलें सजाने वाला, वो उसे एक एम्बुलेंस में छुपाकर उस कंट्री से टर्की से निकालकर ब्रिटेन ले गया। यानी ये बहुत पुरानी रवायत है हुक्मरानों का एम्बुलेंस में भाग जाना। फिर उसके बाद क्या होता है जी कि 23 में जो है वो कमाल अतातुर्क ने मुकम्मल तौर पे अपनी गवर्नमेंट का आगाज़ कर दिया। नाउ द टाइम इज़ फॉर रिफॉर्म्स। अभी तक आपको ये समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से प्रोसेस हुआ, यानी फर्स्ट क्या हुआ जी, अनातोलिया की तरफ मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क गए, वहाँ जाकर उन्होंने पैट्रियट्स के साथ अलाइंस बना ली और 1921 तक वो इस कदर इस्टेब्लिश हो चुके थे कि उन्होंने ग्रीक्स और इतिहादी फौजों के ख़िलाफ़ मुकम्मल एक बड़ी जंग का आगाज़ किया। अगस्त 1922 तक उन्होंने ये जंग जीत ली और टर्की को 1922 तक फ्री कर लिया गया था, लेकिन गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करते हुए असेंबली को हर चीज़ को अक्टूबर 1923 का टाइम आ गया। 1923 में बाकायदा जो है उन्होंने ख़ुद को प्रेसिडेंट और जनरल इस्मत अनुनू को एज ए प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किया और टर्की को फ्री रिपब्लिक टर्की का नाम दे दिया गया। ठीक है जी, अब इससे हम आगे चलते हैं जी। इसके बाद आ जाती हैं रिफॉर्म्स। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का सबसे जो बड़ा काम है टर्की के लिए वो रिफॉर्म्स हैं टर्की की। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने तकरीबन 1919 से शुरू किया था अपना सफ़र और फिर उसके बाद उन्होंने 1934 तक उन्होंने जो रिफॉर्म्स की, मैं उसके बारे में आपको बताता चलूं कि एक तो रोड्स नहीं थे, ठीक है, सबसे बड़ा काम जो है उन्होंने रोड्स के लिए किया। उसके बाद 150 मिल्स या कारखाने जिनको आप बोल सकते हैं या आप फैक्ट्रीज कह सकते हैं, जस्ट 150 प्रोडक्शन हाउसेस थे टर्की में 1919 में एंड इन 1934 विद इन फ्यू ईयर्स इट बिकेम 2000 यानी 150 और 2000, ठीक है, जस्ट इन फ्यू ईयर्स। तो इस कदर ज़्यादा उन्होंने जो है फैक्ट्रीज और उसके बाद मॉडर्न जो टेक्निक्स थी प्रोडक्शन थी इसको उन्होंने इस कदर बढ़ाया कि 150 से
2000 तक पहुंच गए। कहा जाता है कि जितना तरक्की का सफ़र, डेवलपमेंट का सफ़र यूरोप ने 150 साल में किया था, टर्की ने विद इन 12 टू 13 ईयर्स कर लिया था। यानी तकरीबन 20 साल से भी कम अरसा में वो टर्की ने वो पोजीशन हासिल की थी जो पोजीशन यूरोप ने 150 सालों में हासिल की। मुस्तफ़ा कमाल का इतना बड़ा हाथ है उनकी इस तरक्की में। फिर उसके बाद एक सबसे बड़ा काम जो किया उन्होंने, जो मुश्किल भी था और जो जिसको करना और जिसके बारे में सोचना इतना आसान नहीं है, दैट वॉज द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ टर्की। ठीक है, टर्किश लैंग्वेज का जो ट्रांसक्रिप्ट था दैट वॉज अरेबिक एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, उन्होंने इसको चेंज किया, रोमन ट्रांसक्रिप्ट को जो है वो नाफिज किया। रोमन ट्रांसक्रिप्ट का ये था सबसे बड़ा एज कि वो आसान था लिखने में। अब जब ट्रांसक्रिप्ट चेंज किया जाए तो इट मींस दैट कि एवरीबडी हु इज एजुकेटेड बिकम्स अनएजुकेटेड। यानी जैसे आप उर्दू का ट्रांसक्रिप्ट चेंज कर दें, अलिफ बे चेंज कर दी जाए मुकम्मल तौर पे, तो फिर क्या होगा? जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग उर्दू लिखना और पढ़ना जानते हैं, वो सब क्या हो जाएंगे? अनपढ़ हो जाएंगे, एकदम से वो जाहिल हो जाएंगे। तो फिर क्या किया उसने, मुस्तफ़ा कमाल ने एक एक गांव, एक एक स्कूल में विज़िट किया। सबसे पहले उसने टीचर्स जो थे लोग उनको सिखाया ताकि वो आगे लोगों को सिखा सकें। खुद चौक पकड़ के वो स्कूलों में जाता था और जाकर स्कूलों में लोगों को सिखाता था। स्कूल्स में जाता था, अपने यहाँ लोगों को इकट्ठा करता था और फिर यहाँ तक के लोगों का टेस्ट किया जाता था। यानी टेस्ट लेता था, जो लोग फेल होते थे उनको सजा दी जाती थी। और उसने सबसे बड़ा काम ये किया था उस टाइम में एजुकेशन में कि उसने तालीम को गवर्नमेंट कर दिया, यानी अपनी तहवील में ले लिया, गवर्नमेंट की तहवील में। ठीक है, यानी क्या था, इससे पहले प्राइवेट एजुकेशन थी, गवर्नमेंट उसमें कोई अपना किरदार अदा नहीं करती थी, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने एजुकेशन को गवर्नमेंट किया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बन गई कि वो लोगों को तालीम दे। और उसने कंपलसरी कर दिया कि हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर शख्स जो है वो स्कूल जाएगा और जाके वो लिखना और पढ़ना सीखेगा। तो इस तरह करके उसने तालीम के मैदान में सबसे जो है वो बड़ा काम ये किया कि उसको आसान कर दिया और हर शख्स पर उसे लाजमी करार दिया गया, कंपल्सरी कर दिया। सो दैट वॉज द टाइम व्हेन टर्की गॉट अ बूम इन द वर्ल्ड। और फिर आहिस्ता आहिस्ता टर्की बाकायदा एक मुनज़्ज़म कौम के साथ और एक अच्छे किरदार के साथ उभरा, जिसमें बहुत सारी ऐसी रिफॉर्म्स थीं जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मरहूने मिन्नत थीं। और उसने लोगों को मेहनत करने का दर्स दिया, उसने तकरीरें की और लोगों को समझाया कि आप लोगों का, आपका, आपकी इस जनरेशन का क्या रोल है आने वाले टर्की में। ठीक है जी, सो दैट इज़ एक्चुअली मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क हु लेड टर्की टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन। अब हम आते हैं जी हमारे सिनोनिम्स की तरफ। ठीक है, सो व्हाट आर द सिनोनिम्स? सिनोनिम्स हैं जी, फर्स्ट वर्ड है हिल्ड, हिल्ड एच ए आई एल ई डी, हिल्ड। हिल्ड मीन्स क्या होता है? वेलकम, खुश आमदीद। ठीक है जी, तो हेल फर्स्ट वर्ड है, इट मीन्स वेलकम, खुश आमदीद। देन इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन मीन्स क्या होता है? एंगर, गुस्सा। इंडिग्नेशन मीन्स क्या है? एंगर या गुस्सा। देन इज एंथुसिएज्म, एंथुसिएज्म मीन्स क्या होता है? जज्बा, डेडिकेशन, पैशन। एंथुसिएज्म मीन्स पैशन, एंथुसिएज्म का सिनोनिम क्या होगा? पैशन। डेटरेशन, डेटरेशन, डेटरेशन मीन्स क्या होता है? डेट्रियोरेशन मीन्स क्या होता है? डिक्लाइन।
डिक्लाइन, नीचे जाना, पीछे की जानब जाना, पस्ती की जानब जाना. देन वर्ड इज एबोलिशन. एबोलिशन, एबोलिशन मीन्स क्या होता है? एबोलिशन मीन्स क्या होता है जी? तर्क कर देना, खत्म कर देना. एंडेड, टू बी एंडेड. एबोलिशन, ये वेल की एबोलिशन का है. वेल मीन्स क्या? पर्दा. ठीक है, उसने पर्दा भी ख़त्म कर दिया था. उसने कहा था कि बस तरक्की करनी है, मेहनत करनी है, आप लोगों ने जो पुरानी चीज़ें हैं उनको छोड़ना है और नई चीज़ों की तरफ जाना है. ठीक है जी. देन वर्ड इज मैसेकर. मैसेकर, मैसेकर मीन्स क्या होता है? किलिंग, बड़े पैमाने पे लोगों को कत्ल करना, मैसेकर कहलाता है. ठीक है जी. देन वर्ड इज वर्डिक्ट. वर्डिक्ट मीन्स क्या होता है? डिसीजन, फैसला, फैसला देना, डिसीजन देना. ठीक है. देन वर्ड इज, एट्थ वर्ड इज डिसबैंड. डिसबैंड, डिसबैंड मीन्स क्या होता है? अलग अलग हो जाना, बिखर जाना. डिसपर्स, डिसपर्स. ठीक है, इसका सिनोनिम क्या होगा? डिसपर्स. देन नाइन्थ वर्ड इज वूड. वूड मीन्स क्या होता है? कसम उठा लेना. वू, वू से वूड, यानी वू भी आप लिख सकते हैं, वी ओ डब्ल्यू. वू मीन्स क्या होता है? कसम उठाना. और इसका सिनोनिम क्या होगा? प्लेज्ड, प्लेज्ड, पी एल ई डी जी ई डी, प्लेज्ड. राइट. देन टेंथ वर्ड इज वेग. वेग मीन्स क्या होता है जी? छुपा हुआ होना, अनक्लियर, सीक्रेट. अनक्लियर भी लिख सकते हैं, सीक्रेट भी लिख सकते हैं. देन इज इवैक्यूएटेड. इवैक्यूएटेड, ई वी ए सी यू ए टी ई डी. इवैक्यूएटेड मीन्स क्या होता है? निकालना, किस चीज़ को विकेट करना, खाली करना. ठीक है, तो विकेटेड, विकेटेड इसका सिनोनिम आएगा. ठीक है जी. नेक्स्ट वर्ड है बेटा इन्विजन. इन्विजन मीन्स क्या होता है? इन्विजन का मतलब हमला करना, अटैक. इसका सिनोनिम क्या होगा? अटैक. देन इज डिमर्ड. सेकेंड लास्ट वर्ड इज डिमर्ड. डिमर्ड मीन्स क्या होता है? रिजेक्ट कर देना, किस चीज़ को डिक्लाइन कर देना, डिनाई कर देना. तो इसका सिनोनिम क्या है जी? रिजेक्ट. डिमर्ड का सिनोनिम क्या होगा? रिजेक्टेड, रिजेक्टेड. ठीक है जी. सो द लास्ट वर्ड, 14th वर्ड है जी, लास्ट वर्ड है डॉटर्स. ये वर्ड सिर्फ इसी में इस्तेमाल किया गया है, इसी चैप्टर में आता है और किसी में नहीं आता. डॉटर्स, डॉटर्ड का मतलब क्या होता है? कॉवर्ड्स, कॉवर्ड्स, बुजदिल लोग, कॉवर्ड्स. ठीक है जी. क्वेश्चन आंसर्स की बारी है जी. क्वेश्चन आंसर्स में से मैंने 4 क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्ट किए हैं. वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स बिगिन जी. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द एटीट्यूड ऑफ टर्किश गवर्नमेंट टूवर्ड्स अलाइस. व्हाट वॉज द एटीट्यूड ऑफ टर्किश गवर्नमेंट टूवर्ड्स अलाइस. ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन है, वाई वॉज मुस्तफ़ा कमाल सेंट टू अनातोलिया. वाई वॉज मुस्तफ़ा कमाल सेंट टू अनातोलिया. मुस्तफ़ा कमाल को अनातोलिया क्यों भेजा गया था? क्यों भेजा गया था जी? उसे इसलिए अनातोलिया भेजा गया था ताकि वो जाके जो पैट्रियट्स लड़ रहे थे अलाइस के खिलाफ उनको सबड्यू कर सके. ठीक है जी. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो उनके साथ जाके मिल गया. ठीक है जी. टू क्वेश्चंस हो गए. थर्ड क्वेश्चन इज, राइट अ नोट ऑन मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, यानी मुस्तफ़ा कमाल्स एक्टिविटीज़ इन अनातोलिया. मुस्तफ़ा कमाल की अनातोलिया में एक्टिविटीज़ पर एक नोट लिखी. ठीक है, राइट अ नोट ऑन दी मुस्तफ़ा कमाल्स एक्टिविटीज इन अनातोलिया. 3 क्वेश्चंस. फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये असल में इसका सेंट्रल आइडिया भी है इस चैप्टर का. ठीक है जी. तो इसको ज़रूर आपने प्रिपेयर करना है. कुछ थोड़ा सा ये एक्सपेंड करेगा लेकिन इसको लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा. ठीक है जी. वो क्या है जी? डिस्क्राइब द रिफॉर्म्स डन बाय
describe the reforms done by Mustafa Kemal. Mustafa Kemal ne jo reforms ki thi unko describe kijiye ya write a note on the reforms of Mustafa Kemal. Theek hai ji. So that's what ji hamara chapter complete ho gaya hai and I hope aap logon ko samajh aayi hogi. So keep learning with us, stay tuned with us. राणा शहजाद कमर को इजाज़त दीजिए. करियर कारवान का आपको सलाम.